हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीता रसोई। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार का फेमस लिट्टी चोखा और यूपी का फेमस मकुनी की बट्टी और चोखा। कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों एक ही डिश का नाम है। जी हाँ, अलग स्टेट में दो अलग अलग नाम है। और इसे बनाया जाता है पारंपरिक तरीके से, आग में अंगीठी पे सेक के, लेकिन इसे हम बनाएंगे आज गैस पे और बिल्कुल अंगीठी जैसे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा बैंगन लिया है चोखा बनाने के लिए, दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और तीन टमाटर और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली हैं। बैंगन को आप पहले इस तरह से बीच से कट करके चेक कर लीजिए कि कोई बीच में कीड़े तो नहीं है बैंगन में, और देख करके फिर इसमें हमें डालनी है लहसुन की ये कलियाँ। इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल दें ताकि ये भी बैंगन के साथ भुन जाए, इससे चोखे में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अब हमें बैंगन को भुनना है। ये स्टोव इलेक्ट्रिक है इसलिए मैं इस तरह से स्टैंड लगा करके इसके ऊपर बैंगन रख के भुनूंगी। आप चाहें तो गैस पे डायरेक्ट बर्नर पे रख करके भी भुन सकते हैं, आप जैसे भी चाहें उस तरीके से आप बैंगन को अच्छे से भुन लीजिए। बैंगन को चारों तरफ घुमा के उलट पलट के अच्छे से सेकना है। ये देखिए, इस तरह से बैंगन जब दबने लगे तब आप समझ जाइए कि बैंगन आपका कुक हो गया है। बैंगन अच्छे से भुन गया है, इसे मैं साइड कर ले रही हूँ और इसी बर्नर पर अब मैं टमाटर को भी भुन लूँगी। तो इस तरह से आप टमाटर को भी रख दीजिए। टमाटर को भी आपको उलट पलट करके अच्छे से सेकना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बैंगन भी जल्दी भुन जाते हैं और टमाटर भी जल्दी भुन जाते हैं। तो बस टमाटो भुन चुके हैं, अब इन्हें भी हम साइड कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के बाद फिर छिलना स्टार्ट करते हैं। इनके ऊपर हमने ऑयल ग्रीस नहीं किया था, फिर भी आप देख सकते हैं छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और आलू को गैस के ऊपर भुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आलू को आप कुकर में बॉयल कर लीजिए। ये देखिए, बैंगन छिल गए हैं और अब इन्हें एक तरफ हम साफ़ पानी से, ताकि इसके ऊपर जो भी गंदगी लगी हुई है छिलके की, उसे साफ़ कर लेंगे। और बैंगन के डंठल वाले हिस्से को हम अलग कर देंगे, इसे हमें चोखे में नहीं डालना है। इसी तरह से हम टमाटर के भी छिलके को हर साइड कर लेंगे और साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। ध्यान रखें, चोखे के लिए आप जो भी टमाटर यूज़ करें वो टमाटर कड़े हों, घुले हुए टमाटर बिल्कुल यूज़ ना करें, वरना उसका रस भुनते टाइम ही बाहर आ जाएगा, फिर चोखे में अच्छा स्वाद नहीं आएगा। और अब हमें मैशर से या किसी भी चीज़ से जिसे आप मैश कर सकते हैं, इन्हें अच्छे से मैश करना है। इसका अच्छा पेस्ट रेडी करना है हमें टमाटर और बैंगन का। मैश करते टाइम जो पोर्शन मैश ना हो सके उसे आप साइड कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए, टमाटर का ये ऊपरी हिस्सा है, ये मैश नहीं हो रहा है, तो इसे हम निकाल। आलू मिक्स करना है, आलू को आप हाथों से तोड़ करके भी डाल सकते हैं। इसे बैंगन और टमाटर की तरह मैश नहीं करना है, ये थोड़े इसके चंक्स होने चाहिए आलू के, इसलिए आप इसे इस तरह से तोड़िए या फिर हाथों से तोड़ करके डालें। और अब इन सबको मिक्स करें। आलू न बहुत ज़्यादा खड़े होने चाहिए और न ही मशी होने चाहिए। और अब बाकी की भी चीज़ों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 2 कटी हरी मिर्च डाल रही हूँ। जो भी चीज़ें इसमें डालें वो बिल्कुल फाइन, जितना बारीक आप काट सके उतना बारीक काट करके डालिए। 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि कुछ भी जो भी आप कट करें वो बड़े ना हो साइज़ में। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, लहसुन को भी ग्रेट करके ही डाला है मैंने यहाँ पे। 2 टेबल स्पून हरा धनिया डाल रही हूँ, ये थोड़ा सा धनिया मैं बचा ले रही हूँ बाद में ऊपर से गार्निश करने के लिए। 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अब लास्ट में मैं 3 टीस्पून सरसों के तेल को यूज़ कर रही हूँ। सरसों के तेल को आपको पकाना नहीं है, इसे कच्चा ही डालना है, क्योंकि सरसों का तेल ही चोखे की जान होती है। आप अच्छी क्वालिटी के सरसों का तेल ही यूज़ करें, किसी और ऑयल को चोखा बनाने के लिए यूज़ ना करें। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो बस चोखा हमारा रेडी है। ये देखिए, चोखे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, थोड़े आलू के चंक्स होने चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए और न ही ड्राई। तो चोखा हमारा रेडी है। अब चलिए सरसों की झन्नाटेदार चटनी बना लेते हैं, जो मार्केट में लिट्टी चोखा के साथ सर्व की जाती है। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून सरसों के दाने ले रही हूँ। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए ही रोस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, ये रोस्ट हो गए हैं। और अब एक ग्राइंडर जार में ये सरसों के दाने, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च और ये थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। और अब दूना पानी डाल करके, हमें पानी ज़्यादा डालना है, दूना पानी डाल करके इनका हमें फाइन पेस्ट रेडी करना है। ये देखिए, पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ।
अब हमें दूना पानी डालना है। पानी डालने के बाद एक बार फिर से हमें इसको मिक्सर में चला लेना है। पीसने के बाद चटनी ऐसी है, चटनी हमें पतली ही रखनी है, गाढ़ी नहीं बनानी है जैसे मार्केट में मिलती है। ये चटनी को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बनाएं ना चाहे तो ना बनाएं, आप सिर्फ बाटी चोखा ही इन्जॉय कर सकते हैं। और अब बाटी बनाने के लिए हमें आटा लगाना है। आटा यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ, ये 250 ml के कप से 2 कप आटा यूज़ कर रही हूँ, ये गेहूँ का आटा है। 1/4 teaspoon यहाँ मैं मंगरेल डाल रही हूँ जिसे कलौंजी भी कहते हैं, और 1/4 teaspoon अजवाइन को इस तरह क्रश करके डाल रही हूँ, और 2 tablespoon वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ, और अब 1/2 teaspoon मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। अगर आपको टीस्पून टेबलस्पून में कन्फ्यूज़न है तो ये देखिए, जिस चम्मच से हम नॉर्मल खाना खाते हैं ये वही चम्मच है, पूरा भर के नहीं हम नापते हैं, जब भी इस तरह मापते हैं तो इवन शेप में देखते हैं, ये देखिए। और ये चम्मच थोड़ा बड़ा है तो ये टेबलस्पून है, और इससे हम खाना खाते हैं रेगुलर तो ये वही स्पून है, इसमें थोड़ी सी छोटी बड़ी साइज़ होती है, उससे ज़्यादा नहीं, ये आप देख सकते हैं। तो बस इसी से मैं 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और मैं 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर यानी कि 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और इन सभी को पहले आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही पानी डालेंगे। और अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके जैसे हम रोटी बनाते हैं बस वैसा ही आटा लगाना है। टाइट आटा न गूंथे वरना आपकी बाटी बहुत ही कड़ी बनेगी, इसलिए आप सॉफ्ट आटा लगाइए। ये देखिए, बस ऐसा ही डो रेडी करना है हमें, ये सेट है। अब हम इसे ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। लिट्टी की स्टफिंग बनाने के लिए आपको सत्तू पाउडर की ज़रूरत होती है। भुने हुए चने के पाउडर को ही सत्तू कहते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। गर्म पैन में 3/4 कप मैं चने के बेसन को डाल रही हूँ। इसे अच्छे से हमें 4 से 5 मिनट के लिए भुन लेना है, और बस हमारा सत्तू तैयार है। बेसन को सिर्फ इतना भुनना है जितने में उसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छे से खुशबू आने लगे। ये देखिए, कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है, बस ये रेडी है। बस इस पाउडर को किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ऐड करेंगे 1/4 teaspoon ग्रेटेड जिंजर, 1/2 teaspoon ये कुटा हुआ लहसुन है, इसे मैंने ग्रेट नहीं किया, 1 teaspoon कटा हुआ हरा धनिया, और 2 tablespoon फाइन चॉप्ड अनियन ऐड कर रही हूँ। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 pinch अजवाइन और 2 pinch मंगरेल, इसे मैंने भून लिया था, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। और अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की, ये है भरवा मिर्च का अचार जो कि इस रेसिपी की जान है। आप कोई आइस की जगह आप आम के अचार को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप होममेड अचार को यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मार्केट के आम या फिर मिर्च के ही अचार को ही यूज़ करें, किसी और अचार को यूज़ ना करें वरना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 tablespoon ये अचार के मसाले को डाल रही हूँ, ये होममेड अचार है। अगर आप भरवा मिर्च के अचार को बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि अचार के मसाले में बहुत सारा नमक होता है, इसलिए पहले हम टेस्ट करेंगे फिर बाद में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और अब मैं 1 कटी हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप मिर्च चाहें तो और भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं माइल्ड स्पाइसी बना रही हूँ, और ये 1/4 teaspoon ही सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि अचार में बहुत सारा नमक है। इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टफिंग हमारी रेडी है। और अब हमें बाटी को रेडी करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले छोटी छोटी लोइयां काटेंगे क्योंकि ये हम आज बनाने वाले हैं अप्पे पैन में, तो अप्पे पैन के साइज़ के हिसाब से छोटी छोटी लोइयां बनानी हैं। स्टफिंग के लिए हम पहले एक बॉल को लेंगे, उसे सूखे आटे में लपेट के इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इस तरह से कर लेना है, ये देखिए। फिर उसमें 1 चम्मच जितना ही भर के फिर से प्रेस करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये पाउडर होता है तो पाउडर को भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे आराम से बन जाएगा। अंदर की तरफ सिर्फ आपको उंगली से प्रेस करते रहना है, ये हाथों में चिपकेंगे नहीं ज़्यादा, ये देखिए ऊपरी हिस्से को आपको सील कर देना है इस तरह से, और बस ये वाली पोर्शन को ज़्यादा न खींचिए वरना फट सकते हैं। बस इनको अच्छे से दबाइए और फिर गोल शेप दीजिए जैसे कि मार्केट में मिलते हैं, इस तरह चपटा न करें, इन्हें गोला कर दीजिए। अगर आपको इस तरह से क्रैक्स दिख रहे हैं तो उनको भी हल्के हाथों की हेल्प से इस तरह से सेट कर दीजिए ताकि इनके चिकने बॉल्स बने। ये देखिए बस ये रेडी है। इसी तरह से मैं दूसरी भी बॉल बना करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये 1-2 बार की प्रैक्टिस में आपसे बनने लगेंगे। इसके लिए आप बेल करके चकले पे ना यूज़ करें क्योंकि किनारे के पोर्शन को हमें पतला रखना होता है और बीच में थोड़ा सा मोटा, ये देखिए
आप स्टफिंग मनचाही ही भर सकते हैं, अगर आपको कम ज़्यादा जैसा भी पसंद है। अगर आपको स्टफिंग कम पसंद है तो आप कम भरिए, और अगर आप स्टफिंग नहीं भरना चाहते तो आप प्लेन बाटी भी बना करके चोखे के साथ खा सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बाटी फिल करने के बाद, मोड़ने के बाद अगर ज़्यादा पोर्शन निकला हो तो आप इस तरह से उसे साइड भी कर सकते हैं। तो बस गोल शेप देना है और बाटी हमारी रेडी है। इसी तरह से हम सभी को रेडी कर लें। अब भी पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। सभी मोल्ड को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। बाटी डालने से पहले पैन के हीट चेक कर लें। जितने गर्म तवे पे हम रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा कम गर्म होना चाहिए। सभी बाटी को पैन में सेट कर देंगे और यहाँ पे 2 कप आटे में 10 बाटी अप्पे पैन की साइज़ से बन करके रेडी हुई, जितने में 2 से 3 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। और अब हमें इन्हें ढक के मीडियम फ्लेम पे एक साइड कुक करना है। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें कि बाटी जले ना। ये देखिए, एक साइड से मैं बाटी की इतनी ही सिकाई करनी है। तो अब इन सभी को हम पलट देंगे और पलटने के बाद हम इन्हें वापस से ढक देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट में बाटी बन जाती है। बाटी को हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमें बाटी को इस साइड की तरफ घुमा देना है ताकि बाटी चारों तरफ से बराबर सिके। तो सभी बाटियों को इस तरह से अब घुमा दीजिएगा और फिर वापस से ढक दीजिएगा। चलिए हम फिर से चेक कर लेते हैं, बाटी पक गया है या नहीं। बाटी पका है या नहीं, इसका साइन ये है कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाटी इस तरह से फट गई है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बाटी कुक हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस बाटी को, ये लग रहे हैं ना बिल्कुल अंगीठी पे सिके हुए, जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। और अब इस बाटी को हमें देसी घी में डिप करना है। तो गर्मा गर्म बाटी को आप घी में अच्छे से डिप करें और तुरंत सर्व करें, क्योंकि गर्मा गर्म बाटी का स्वाद ही कुछ और होता है। बाटी ठंडी होने के बाद भी टेस्टी लगती है, लेकिन गर्मा गर्म की बात ही कुछ और है। तो आप जो भी कह लीजिए, लिट्टी या बाटी, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, मैं एक बाटी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से ये बिल्कुल भरा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसे बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। ये इतनी सॉफ्ट बनती है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। और ये सरसों की चटनी में प्याज के लच्छे के साथ सर्व कीजिए, जैसे कि बाज़ार में सर्व होता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट, देखा, कोई तामझाम नहीं है बनाने में। जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।